तो इन दिस क्वेश्चन जो है वो इतना एनर्जी है 1560 किलो जूल, ठीक है, और इवेंट में 50% चला गया तो कितना बचा, इसका 50% बचा किलो जूल। अब ये मोल कॉन्सेप्ट जैसा क्वेश्चन हो गया कि इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी द वेट ऑफ वाटर ही वुड नीड टू परस्पायर इज, तो पसीने के रूप में कितना वाटर इसमें जो है वो रिलीज हो जाना चाहिए। तो इस एनर्जी को हमने इससे डिवाइड कर लिया 44 किलो जूल पर मोल, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से मोल्स ऑफ वाटर आ गए, से ए मोल ऑफ वाटर, इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोर नहीं हो तो मतलब वो कितने मोल वाटर को पसीने के रूप में बहाए, तो वन मोल वाटर जब वो पसीने के रूप में बहाता है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो ये तो ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा मोल्स ऑफ वाटर आएंगे। और फाइनली इसको मास में बदलने के लिए इसके मोलर मास 18 ग्राम पर मोल से वाटर के से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, दिस द आंसर।